जब लेबर पेन शुरू हो जाता है तो क्या करना है? यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट डिलीवरी में जो मैंने किया, जो मेरे साथ मेरे घर वाले थे उस वक्त, उन्होंने मुझे जो बताया था, मैंने जो किया, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। और इस प्रेगनेंसी में भी मैं वही करने वाली हूँ डिलीवरी के समय, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप जब बड़े बुज़ुर्गों की बात सुनते हो डिलीवरी के समय, तो कहीं ना कहीं उस वक्त आपको तो लेबर पेन में हो आप, आपको करने का मन नहीं करेगा, आपको गुस्सा आएगा अगर कोई कुछ बोलेगा, तो उस वक्त आप अलग मूड में चल रहे होते हो। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत उनकी बातें सुन लेते हो तो आपके लिए ही फ़ायदा होता है, जैसे मेरे लिए ही फ़ायदा हुआ। मुझे भी उस वक्त सुनना नहीं पसंद आ रहा था, जब लेबर पेन शुरू हो जाता है तो आप ये कोई राय देता है, कोई वो एडवाइस देता है, तो लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एडवाइस आपके लिए कारगर साबित होता है। तो किस तरीके से वो कारगर साबित होता है, क्या करना होता है? लेबर पेन आपका अगर आप हल्का हल्का शुरू हो चुका है, संकुचन हल्का हल्का शुरू हो चुका है, तो आपको टहलते रहना है। टहलते रहना है इसलिए क्योंकि बेबी धीरे धीरे अब नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। इससे क्या होगा कि आपके बच्चेदानी का मुँह खुलना शुरू होगा। कई महिलाएं जब जाती हैं, उनको संकुचन शुरू होता है, तो डॉक्टर जब इंटरनल चेकअप करते हैं तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर जो है बच्चेदानी का मुँह खुला होता है, तो काफ़ी देर तक उनको लेबर पेन में रहना पड़ता है। डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे उस वक्त, आपको बस एक बेड पे लिटा के छोड़ देंगे, और इंटरनल चेकअप बार बार होगा कि कितना खुल रहा है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको टहलते रहना है, आपको अपना काम नहीं छोड़ना है, टहलते रहना है। अब डॉक्टर्स अगर उठने नहीं दे रहे हैं, टहलने नहीं दे रहे हैं, तो दूसरा क्या है उपाय? दूसरा उपाय ये है कि आपको अपने बाएं करवट सो जाना है। अब जब आप बाएं करवट सोओगे तो हो सकता है कि आपको लेबर पेन जल्दी जल्दी आए, संकुचन जल्दी जल्दी आए, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि संकुचन जल्दी आएगा, लेबर पेन जल्दी जल्दी होगा, तो डिलीवरी की जो टाइमिंग है वो घटेगी। हाँ, आप पेन में होगे, लेबर पेन जब शुरू हो चुका है तो लेबर पेन से डरना नहीं है, तो आप लेबर पेन में होगे लेकिन जल्दी जल्दी संकुचन आएगा, बच्चेदानी का मुँह खुलेगा, इसलिए आपको बाएं करवट सोना है। दूसरा जो मुझे किया गया था, उस वक्त लेबर पेन के समय गुनगुना पानी दिया जा रहा था। उस वक्त कहा जाता है कि हल्का फुल्का अगर गर्म चीज़ें खाया जाए तो गर्भाशय में नरमाहट आती है, तो इसलिए गुनगुना पानी में हल्का हल्का पी रही थी। क्योंकि डिलीवरी अब जो है ठंड के समय में होगी, इस बार भी डिलीवरी अब ठंड के समय में होगी मेरी, तो गुनगुना पानी, वैसे भी ठंड रहता है, बॉडी को चाहिए अंदर हीट, तो गुनगुना पानी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप डिलीवरी जब आपके होने जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, तो आप एक थर्मस में गुनगुना पानी भर लो फ्लास्क में, आपके लिए वो एक रामबाण उपाय होगा। हल्का हल्का आपको गुनगुना पानी पीना है। उस वक्त खाना पीना तो बंद कर देते हैं, डॉक्टर हो सके तो गुनगुना पानी भी नहीं पीने देंगे, लेकिन आपको हल्का हल्का, जब भी लेबर पेन आता है या नहीं आता है, तो आपको हल्का हल्का गुनगुना पानी पीते रहना है। इससे क्या होगा कि गर्भाशय में संकुचन पैदा होगा, गर्माहट से वो जो है बच्चेदानी का मुँह जो है वो धीरे धीरे नर्म पड़ने लगेगा। इस वजह से गुनगुना पानी दिया जाता है, जो कि मुझे भी उस वक्त हल्का हल्का दिया जा रहा था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।